अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। तो मैं हूँ सफ़ीना और वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीना इजी किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम यूनिक तरीके से मटन कीमा मटर दो प्याज़ा की रेसिपी। एकदम रेसिपी यूनिक है और डिफरेंट तरीका है बनाने का, और खाने का स्वाद भी बहुत ही डिफरेंट है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की है और बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बन के ये तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैं इसको सरसों के तेल से ही बनाती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जो तेल खाना पसंद करेंगे आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 15 से 20 डाल देंगे काली मिर्च, 4 से 5 यहाँ पर हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता और आधी चाय के चम्मच यहाँ पर डाल देंगे जीरा, अखा जीरा, ठीक है। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा करकल कर लेंगे। जैसे ये इस तरीके से ब्राउन कलर हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, बिल्कुल इसका पानी नहीं है। पानी एकदम आप ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप तेल में कीमा को डालेंगे तो थोड़ा सा तेल छिड़क सकता है, इसीलिए पहले मैंने इसको छन्नी की मदद से इसका जो पानी है ड्राई कर लिया है कीमा का। और इसके बाद डालने के बाद इसको कीमा को थोड़ी देर पहले भून लेंगे। कीमा जैसे ही हमारी अच्छी तरह से भून जाएगा, ये खड़ा मसाले के साथ अच्छी तरह से ये भून जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पर बाकी के मसाला शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम भून लेते हैं। ये भूनते भूनते ही हल्का सा गल भी जाएगा, और ये जो कीमा है ना एकदम बारीक कीमा है और ज़्यादा मोटा मोटा नहीं है। और आप अगर मोटा कीमा के बनाते हैं तो फिर आपको कुकर में बनाना पड़ेगा उसको गलाने के लिए। तो ये मैंने बारीक कीमा है मेरा, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ही आपको आप इसे भूनते जाएंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर डाल देंगे 1 चाय की चम्मच डाल देंगे दरदरा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर, और ये आधी चाय की चम्मच यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। आप यहाँ पर हरी मिर्ची का तीखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पेस्ट, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची इस्तेमाल किया। इसके बाद जो है यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और अच्छी तरह से इस मसाला को मिलाते हुए इसको हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, और मीडियम आंच रख के इसको हम इस तरीके से भून लेंगे। तो इस रेसिपी को इसी तरह से ही हमें बनाना है, तभी ये जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको खड़े रह के ही आपको चलाते चलाते हुए भूनते हुए बनाना है, और बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा, ये झटपट बन जाएगा और बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसे बनाएंगे ना और ट्राई करेंगे ना तो सबके दिल जीत लेंगे। इतनी मज़े की है, आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कीमा को भून लिया है मसाला के साथ। इसके बाद जो है यहाँ पर डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। पानी यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप यहाँ पर पानी इतना ही रखिएगा ताकि कीमा के ऊपर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, इतना ही आप पानी रखिएगा आपका अगर बारीक कीमा है, ठीक है। ज़्यादा अगर रखेंगे ना तो वो कीमा ज़्यादा गल जाता है, ज़्यादा बारीकी हो जाता है, तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अभी इसे हम कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे हम इसको गला लेते हैं कीमा को। बारीक कीमा है, बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। तो देख सकते हैं कीमा जो है हमारी गल चुका है और पानी भी इसका नीचे आ चुका है इस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भुनाई कर लेंगे। तो ये कीमा को हम जितना ही इस तरीके से भूनेंगे इतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले कीमा को हम भून लेते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर हम शामिल करेंगे मटर, और मटर डालने के बाद फिर हमें इसको भूनना है, गलाना है। तो यहाँ पर जो मैंने मटर लिया है, ये मटर मेरा पहले से ही बहुत पहले से ही रखा हुआ है, ये ताज़ा फ्रेश मटर नहीं है। आप फ्रेश मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मटर है मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, मैं इसको फ्रीज में रखी थी। तो इसको मटर को किस तरीके से रख सकते हैं हम लंबी समय के लिए, तो आप उस वीडियो को मेरी देख सकते हैं। तो वही मटर मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना फ्रेश मटर है। तो मटर डालने के बाद यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज के मैंने टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दिया है, और डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरीके से मटर और टमाटर डालते हुए इसको भून लेते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर अभी हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हम टमाटर और मटर को डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। आप यहाँ पर ताज़ा मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मटर को आप किस तरीके से लंबे समय के लिए फ्रेश रख सकते हैं तो वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं आप जाके।
मैंने 4-5 महीना पहले अपलोड की थी वो घर पे मटर स्टोर करके किस तरीके से रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज बारीक कर लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को लंबे लंबे साइज़ में मैंने काटा है। तो 2 प्याज यहाँ पर इस्तेमाल कर रही, प्याज डाल देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को मैंने चीरा नहीं लगाया है, एकदम अक्खा हरी मिर्ची है, इसे भी डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसको इस तरीके से भूनते जाना है, ठीक है, ताकि हमारी प्याज जो है और जो हमने मटर डाला है मटर भी हमारी भून जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तो इस तरीके से हमें इसको भून लेना है। ये रेसिपी बनाने का एकदम डिफरेंट तरीका है और स्वाद में भी एकदम डिफरेंट तरीका है। आप तो बहुत तरीके से कीमा ट्राई किए होंगे, बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आप एक दफ़ा जब इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको भुनाई कर लिया है। इसके बाद हम इसे कवर कर देते हैं और इसको लो फ्लेम में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए गला लेते हैं ताकि हमारे मटर जो है गल जाए। बिल्कुल यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है, प्याज का जो हल्का पानी निकला है ना, इसी पानी से हमारी मटर जो है गल जाएगा, ठीक है। तो ये गल चुका है, अभी कवर हटा के इसको हम भुनाई कर लेते हैं। एकदम गैस के आँच को हम तेज़ रखेंगे और तेज़ आँच में इसको हम इस तरीके से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे ताकि हमारे मटर जो है एकदम पूरी तरह से कीमा में मिक्स ना हो जाए, बारीकी ना हो जाए। इस तरीके से अक्खा दिख रहा है, इसी तरह से अक्खा दिखे प्याज भी हमारी, इसी तरह से अक्खा दिखे। अगर इसमें आप पानी डाल देंगे ना और पानी डालने के बाद अगर इसको फिर सब साथ में गलाएंगे ना तो सब मिक्स हो जाएगा, मिक्स होके गल जाएगा। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर मटर को डाला है, भुना है, पहले कीमा को गला लिए हैं, इसके बाद फिर मटर को डाल के हमने इसको गलाया, उसके बाद प्याज डाले हैं। और डालने के बाद फिर इसको हम बिना पानी डाले हुए इसको कवर करके इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लिए हैं। उसके बाद जो है इसको इस तरीके से भुनाई करके इसको तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारी ये भुन के रेडी हो गया है। अभी हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बना है हमारी कीमा मटर 2 प्याज़ा की रेसिपी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से खड़ा मसाला से बना के। और बहुत ही झटपट, बहुत ही इजी बनता है ये, बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है। बस आपको सिर्फ कीमा बारीक ही चाहिए, बारीक कीमा होना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और गल भी जाता है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और आप इसको कोई भी रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमान आ जाए तो आप इस तरीके से इसको बना के दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस। ज़रूर एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी मेरी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली की नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहे, आबाद रहे, दुआ में हमें भी याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।